तो जैसे दोस्तों अगली वीडियो में आपने देखा कि मैंने इंडिकेटर को इंस्टॉल किया, तो अब मैं लगा रहा हूँ बैटरी बैक को। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बैटरी बैक को लगाया, फिर मैं लगाने लग गया स्विच को जो कि इससे इंडिकेटर ऑन ऑफ होंगे। तो फिर मैं करने लग गया इसमें वायरिंग, जो कि फ्रेम के नीचे से मैंने वायरिंग को इधर से निकाला। तो वायरिंग करने के बाद मैं निकल गया मार्केट की तरफ, जो कि मार्केट से मुझे लाना था ऑन ऑफ का स्विच। तो मैं पहुंचा इन सरदार जी की दुकान पर, जहां से मैंने ऑन ऑफ का स्विच लिया। फिर उसके बाद वहां से निकल गया प्रिंस चौक की तरफ, जो कि वहां से मुझे लेना था हेडलाइट बल्ब। तो कुछ ही देर बाद साइकिल चलाने के बाद मैं पहुंचा इस दुकान पर, तो मैंने देखा कि ये दुकान बंद थी। तो 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली भैया ने दुकान खोली, तो फिर हमने वहां से हेडलाइट बल्ब लिया और अंदर से कुछ इस प्रकार से दुकान देखने को मिलती है। तो हेडलाइट बल्ब लेने के बाद मैं फाइनली आ गया घर की तरफ। तो यह है सारा सामान जो कि मैं मार्केट से लेके आया। तो फिर मैं हैंडल पे लाइट लगाने लग गया, जो कि कुछ इस प्रकार से मैंने हैंडल पे लाइट लगाया और फिर इस लाइट को मैं लगाने लग गया, जो कि टोटल ये 10 लाइटें थी जो कि इस फ्रेम के नीचे लगाने वाला हूं मैं। तो लाइट लगाने के बाद मैंने वायरिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट किया, फिर उसके बाद बैटरी बैग में रखा बैटरी। तो फाइनल रिजल्ट हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है।